नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए 2019 अप्रैल 10 के पेपर का शिफ्ट वन पेपर का. इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 k बिलोंग टू रीजन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट p एंड q एंड द लाइन 4x प्लस 5y माइनस k इक्वल टू 0 पासस थ्रू p एंड q देन द वैल्यू ऑफ k राइट या नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k. एक्चुअली नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k पूछी है इसमें और ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ वैल्यूज ये पेपर मेमोरी बेस्ड है तो ऑब्वियसली डेटा में मिस्टेक्स हो या कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक्स हो राइट क्योंकि आपके थ्रू ही ये पेपर बनाया गया है. तो ऐसे में मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलूं कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा तो अगर कहीं डेटा में करेक्शन भी तो आप कंसेप्ट राइट क्वेश्चन कर सकते. एक चीज ये इंटरसेक्ट पी एंड क्यू पे कर रहे हैं और पी और क्यू की ही इक्वेशन दी मतलब बेसिकली कॉमन क्वाड की इक्वेशन दी है. कॉमन क्वाड कैसे मिलती है एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो कर दे तो कॉमन क्वाड मिलेगी. बट यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2x स्क्वायर लिखा हुआ ही इसलिए है और मैंने आपसे बोला था सर कोई भी क्वेश्चन जब तक करना मत जब तक x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 या सेम ना बना ले. तो आपके पास दो अप्रोच हो सकती है कि चाहे तो आप उस इक्वेशन को ऐसा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 10kx प्लस 4y प्लस 2k इक्वल टू 0 लिख लें एंड देन सबट्रैक्ट अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है और होगी ही मिस्टेक होगी ही. आपको सबट्रैक्ट तो देखिए क्या होगा 8kx प्लस y प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आ गई जो लाइन PQ से पास हो रही है कॉमन क्वाड की ये लाइन सेम है. यहां आप ऐसा बोल सकते हैं 8kx प्लस y प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस k इक्वल टू 0. अगर हम इसके अकॉर्डिंग रेशियो देखें तो देखिए क्या होगा 8k अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 5 इक्वल टू 2k माइनस 1 अपॉन माइनस k. अगर मैं यहां से देखूं तो k का वैल्यू 1 बाय 10 आ रहा है पर k का वैल्यू 1 बाय 10 रखने पे ये 1 बाय 5 नहीं आ रहा है दिख रहा है के. इसका मतलब k इज अ राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वेशन में तो करस्पोंडिंग रेशियो भी सेम होंगे पर ये इक्वल नहीं हो रहे देयरफॉर हम बोल सकते वैल्यू ऑफ k राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देयर आर ईच हैविंग टू चिल्ड्रन ठीक है फैमिलीज हैं सपोज ए और बी मान लेते हैं जिनके टू टू चिल्ड्रन हैं. इफ देयर आर एटलीस्ट टू गर्ल्स अमंग द चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एटलीस्ट टू तो गर्ल्स हैं आपको पता है अब बताना अमंग द चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द चिल्ड्रन आर गर्ल्स. तो सिंपल एटलीस्ट टू गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा होगा टू गर्ल्स तो होंगी तो अब कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है टू गर्ल्स टू बॉयज हो सकता है ऑल गर्ल्स हो सकता है थ्री गर्ल्स हो और हो सकता है टू गर्ल्स हो यही पॉसिबिलिटी कंडीशनल है. और अगर हम देखें वैसे टोटल केस 16 बनेंगे पर उस 16 की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ पी ए बाई बी में मैंने कंडीशन डायरेक्टली लिखे तो ऑल गर्ल्स का केस देखें तो 1 होगा. अगर इसको देखें अब इनके केसेस निकालें तो 1 ये इसमें अरेंज हो सकता है कौन से फैमिली में पहले बॉय है तो ये हो जाएगा 4c1 मतलब 4 ये ऐसा हो जाएगा 4c2 मतलब 6 यानी 11 तो 1 बाय 11 इज अ क्वेश्चन. एक बार फिर समझ लीजिए वैसे इसको ऐसे करते हैं ऑल गर्ल्स का केस होगा 1 बाय 16 और एटलीस्ट टू गर्ल्स का केस होगा 11 बाय 16 राइट क्योंकि टू टोटल कितने हैं 2 पावर 4. तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इसको इसमें करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो अदरवाइज इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको हर तरह के केसेस लेने थे यानी आपको इसमें 1 गर्ल 1 बॉय फिर 2 बॉय हो सकता 3 बॉय हो ऐसे ही होगा. जब 3 बॉय होंगे तो फिर 4 केस होंगे और 4 बॉयज होंगे सॉरी 4 बॉयज होंगे तो फिर कितने केस होंगे 1 तो देखिए 10 14 15 16 तो इसलिए मैंने आपको बोला ऑल गर्ल्स का केस 1 बाय 16 एटलीस्ट टू गर्ल्स के केस 11 बाय 16 कॉमन फिगर को कैंसिल कर दो तो 1 बाय 11. तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं डायरेक्टली आप कर सकते थे. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई सिंपल तरीके थी कि जो कंडीशन है वो नीचे ले लो और जो आउट पूछा है वो न्यूमरेटर में ले लो. तो एक फैमिली है जिसमें 4 बच्चे हैं एटलीस्ट 2 गर्ल्स हो पहला तो ये गिवन है एटलीस्ट 2 मतलब ये पता ही है कि देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स अमंग द चिल्ड्रन यानी 2 गर्ल्स तो हैं. आपको बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल गर्ल्स की तो ऑल गर्ल्स का एक केस हुआ. अब डिनोमिनेटर में हो सकता है ऑल गर्ल्स हो सकता है 1 गर्ल्स हो सकता है सॉरी 1 बॉय हो सकता है 2 बॉय हो राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन.
यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ द लाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व इज टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन एक्स पॉइंट थ्री माइनस नाइन बाय टू देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. क्या करेंगे इस क्वेश्चन में समझिएगा थोड़ा अच्छे से. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है टू बी स्क्वायर अपॉन ए. अब एक चीज बताइए अगर मैं इसमें ये रख भी दूं तो ये मिलेगा 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 81 बाय 4 बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अच्छा अगर कंडीशन आप टेंजेंट वाले निकाले तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टचेस द एलिप्स तो सी इक्वल टू होता है रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इससे आप उलझ सकते हैं. अच्छा ये अगर आपसे बोलूं इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें तो टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है टी इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन. ना हम कंपेयर कर दें क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन ही दी है तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन थ्री एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बाय वन मतलब माइनस नाइन वाई अपॉन टू बी स्क्वायर इक्वल टू वन. अगर मैं इस लाइन को भी ठीक ऐसा ही लिख लूं एक्चुअल में ये लाइन ऐसी है एक्स अपॉन ए स्क्वायर बाय थ्री प्लस वाई अपॉन बी माइनस का याद रखना बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू वन राइट. इसको भी आप लिखें तो x अपॉन 12 प्लस y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1. तो मतलब a स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 12 यानी a स्क्वायर इक्वल टू 36 मतलब a इक्वल टू तो हो गया 6 ठीक है. माइनस 2 b स्क्वायर अपॉन 9 ये सबसे सिंपल तरीका हो सकता है इक्वल टू माइनस 6. देखिए माइनस से माइनस कैंसिल ये 3 टाइम कैंसिल तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27. अच्छा आप b स्क्वायर को 27 आ ही गया b स्क्वायर को पता आप डायरेक्टली कर लीजिएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोला है तो 2b स्क्वायर अपॉन a तो 2 इंटू बी स्क्वायर 27 अपॉन a a मतलब 6 6 मतलब 2 इंटू 3 तो ये कैंसिल तो 9 टाइम तो आंसर विल बी 9 9 इज अ राइट आंसर. अगर आप इस कंडीशन से कर सकता उलझ जाते क्योंकि इक्वेशन लेंथी हो जाती पर मैंने क्या करा इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को गिवन टेंजेंट से कंपेयर करके इंटरसेप्ट फॉर्म से ए और बी निकाल लिया उससे ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया. इस कंडीशन की भी कोई जरूरत नहीं थी राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस क्वेश्चन देखते थे कि स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. इस तरह की एक टेबल दी थी जो बताया बच्चों ने क्या क्या है. टू मार्क्स के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है. फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट. अब एवरेज मार्क्स बताना है सिंपल है. एवरेज मार्क्स क्या होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. इसमें आपको पता है ना क्या दिया है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा ये फ्रीक्वेंसी x अपॉन सिग्मा x. अब तो ये क्या होगा सबसे पहले मुझे x अननोन है वो निकालना है तो इस सबका सम जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो ये 20 है यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x इक्वल टू 20 ये गिवन था. अब देखिए x टू टाइम आ रहा है 2x स्क्वायर समझाने के लिए स्टेप लिखिए ये हो गया 4x प्लस 5x तो बचा प्लस 2x क्योंकि माइनस 3x था 1 और इस 5 माइनस 4 मिला यानी 24 इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0 राइट. फैक्टर बन गया प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. अब x की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं तो x की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि x स्टूडेंट को बता तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो 3 प्लस 1 4 4 का स्क्वायर हो गया कितना सॉरी 16 यहां पर 16 हो जाएंगे यहां 3 6 माइनस 5 यानी कितना 1 यहां पे जाइए 9 माइनस 9 0 और ये हो गया 3. अब देखिए ऐड करके देखिए 16 प्लस 1 17 प्लस 3 20 इज 20. अब आपको मीन बताना है तो मीन क्या होगा 16 टू जा 32 प्लस 3 प्लस 0 21 अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट. अब कितना हो जाएगा ये देखिए 35 प्लस 56 बाय 20 यानी 28 बाय 10 मीन्स 2.8 इज अ राइट आंसर. कितना था समझने वाला क्वेश्चन था राइट. नोट कर लीजिए क्वेश्चन को.